टीआरपी घोटाले में नाम सामने आने के बाद से ही सुर्खियां बटोर रहे रिपब्लिक टीवी की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। कुछ दिन पहले मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के संपादकीय टीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था और सोमवार 26 अक्टूबर को देश की शीर्ष अदालत ने रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी को लेकर कुछ टिप्पणियां की हैं। पिछले कुछ समय से अर्नब कैसी पत्रकारिता कर रहे हैं ये आप सबने देखा ही है। थोड़ी सी झलकियां आप एक बार दोबारा से देख लीजिए। इटली वाली सोनिया गांधी चुप नहीं रहती। क्या चाहते हो तबलीकी तबलीकी हो आवाज कम आप ही को चुप करिए आवाज कम। आई डोंट मेक फॉल्स चार्जेस आई नेवर डू। तो ये सामूहिक बलात्कार की बात कहां से आ गई? ये तो किसी ने मनोहर कहानियां लिखी है इस पर। आई एम नॉट नेमिंग द अक्यूज्ड आई नेवर डू। अरे रिया चक्रवर्ती बोलती है ड्रग दो। सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र सरकार की ओर से दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी के खिलाफ चल रही जांच पर 30 जून को रोक लगा दी थी। महाराष्ट्र सरकार की ओर से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि हाईकोर्ट कैसे पूरी जाँच पर रोक लगा सकता है। अर्नब की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश सालवे ने पत्रकार की पूरी टीम के खिलाफ दर्ज एफआईआर के बारे में अदालत को बताया। सारी दलीलों को सुनने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया S.A. बोबडे ने कहा कि हमारी पहली चिंता ये है कि समाज में शांति और सौहार्द बना रहे। CJI ने कहा कि अदालत अर्नब की ओर से जिम्मेदारी का भरोसा चाहती है। सालवे ने CJI की बात के जवाब में कहा कि वे उनकी बातों से सहमत हैं, लेकिन जो FIR दर्ज की गई है वह सही नहीं है। इसके बाद CJI शरद अरविंद बोबडे ने कहा कि रिपोर्टिंग करते वक्त जिम्मेदारी का ध्यान रखा जाना चाहिए, कुछ ऐसी बातें हैं जहां पर सावधानी रखी जानी चाहिए। CJI ने अर्नब से कहा, मैं तुम्हारी रिपोर्टिंग को बर्दाश्त नहीं कर सकता। CJI ने सालवे से कहा कि वह क्या करना चाहते हैं इसके बारे में एक हल्फनामा भी दायर करें। तो अब अर्नब के बारे में CJI ने क्या टिप्पणी की आपने सुन ही ली। हाल ही में मुंबई पुलिस ने TRP स्कैम का पर्दाफाश किया था जिसमें रिपब्लिक टीवी का नाम शामिल था। इसके बाद अर्नब ने मुंबई पुलिस पर अपने शो के जरिए टिप्पणियां करनी शुरू कर दी थी। रेडियो की नई परंपरा जी, अब तुम देश के साथ हाथ जोड़कर माफी मांगोगे क्योंकि परंपराजित तुम्हारा परंपराजित परवादा पर्दाफाश हो चुका है। रिपब्लिक भारत पर झूठे आरोप लगाए परंपराजित, वर्दी पर कलंक, परमवीर का परम झूठ जल्द पकड़ा जाएगा। अरे ओ परमवीर, बौखलाए परमवीर, डरे हुए परमवीर, चिंतित परमवीर, झूठ बोलने वाले परमवीर, फ्रॉड परमवीर, अरे परमवीर, अब तो मैंने तुम्हारे सारे कांड दुनिया को बताए क्या? परमवीर, वीर नहीं बोलना चाहिए, परम, ये वीर तो है ही नहीं। तो मैं कहता हूं अरे परम, तुम्हारे सारे कांड तो मैं अभी निकालूंगा। मुंबई पुलिस ने इसके बाद रिपब्लिक टीवी के 1000 एम्प्लॉइज पर FIR दर्ज की है। पुलिस ने कहा कि रिपब्लिक चैनल ने उन खबरों को हवा दी जो पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह के खिलाफ पुलिस कर्मियों में असंतोष पैदा कर सकती हैं। इसके अलावा अर्नब दूसरे न्यूज चैनलों पर भी काफी इल्जाम लगाते दिखते हैं, खास करके तक चैनल पर। लेकिन इस पर अर्नब इंडिया टीवी के वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा पर भी टिप्पणी करते दिखाई दिए। क्यों रजत शर्मा, क्यों बंद कर दी इसकी कवरेज? हाँ रजत जी, अभी इस खबर की कवरेज क्यों बंद कर दी? इंडिया टीवी पे 9 बजे के प्रोग्राम में आपने बहुत कुछ कहा था, अभी इसको भी कह दीजिए बैलेंस कीजिए कवरेज को। आप दिखाएंगे खबर कि मैंने 200 करोड़ का मानहानि का मुकदमा किया है परमवीर के खिलाफ? अगर आप कह नहीं सकते तो बुलाइए मुझे, मैं कह देता हूं आपके चैनल। अपनी अदालत में अगर ये नहीं कह सकते तो मुझे बुलाइए, मैं कह दूंगा, सवाल भी पूछ सकता हूं मैं। कुछ भी बोला हमारे खिलाफ, झूठ बोला, TRP चोर बोला, इतना बड़ा झूठ रजत शर्मा आपने इसको मंच दे दिया? क्योंकि हम हिंदी पत्रकारिता में आ गए, क्योंकि हमारा चैनल नंबर 1 हो गया, क्योंकि हमने ऐसे ऐसे पत्रकारिता की जो सवाल पूछने लगे लोग आपसे। ऐसा वे इसलिए करते दिखे क्योंकि रजत शर्मा ने अपने शो में TRP स्कैम पर चर्चा की और पब्लिक का नाम भी लिया। ये मुंबई पुलिस ने खुलासा किया है, ऐसा खुलासा जिसने मुझे चौंका दिया। ये खुलासा एक TV चैनल की TRP रेटिंग के बारे में है।
टीवी चैनल का नाम पुलिस ने बताया रिपब्लिक टीवी, दो और चैनल्स भी हैं जो छोटे चैनल्स हैं, लोकल चैनल्स, वो भी इसमें नाम है। और पुलिस ने कहा कि रिपब्लिक टीवी ने पैसा देकर, लालच देकर टीआरपी बढ़ाने का काम किया। पुलिस का कहना है कि जिन घरों में टीवी की रेटिंग के सीक्रेट मीटर लगे हुए हैं, रिपब्लिक टीवी वहां तक पहुंच गया और मीटर वाले पैनल होम्स में लोगों को पैसा देकर दिन भर रिपब्लिक टीवी चलाने को कहा ताकि वो चैनल की रेटिंग में रिफ्लेक्ट हो सके। ये सब काम रिपब्लिक टीवी ने टीआरपी बढ़ाकर, एडवर्टाइजमेंट लेने के लिए, विज्ञापन लेने के लिए, पैसा कमाने के लिए किया। रिपब्लिक टीवी पर ये सारे सनसनी के इल्जाम आज मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने लगाए। और सिर्फ इल्जाम नहीं लगाए, पुलिस कमिश्नर का दावा है कि उनके पास इस बात के सबूत हैं कि रिपब्लिक टीवी ने पैसे देकर टीआरपी में गड़बड़ी करने की कोशिश की। अर्नब टीआरपी स्कैम में शामिल है या नहीं, इसका पता तो जांच के बाद लग ही जाएगा। कुछ ऐसे उदाहरण भी हैं जिसमें अर्नब ने एक मुहिम, एक प्रोपेगेंडा के तहत कुछ महीने किसी एक ही मुद्दे पर टारगेट किया हो और उसका नतीजा कुछ और ही निकला हो बाद में। वैसा ये अकेला अर्नब नहीं करते, बाकी न्यूज चैनल भी करते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ अर्नब की बात कर रहे हैं। हाल ही की बात करें तो शुरू करते हैं तबलीगी जमात से। जब कोरोना शुरुआती दौर में था तब मीडिया ने तबलीगी जमात का नाम आते ही एक एजेंडा सेट कर दिया और तबलीगी जमात में शामिल लोगों को कोरोना का जिम्मेदार बताया। अर्नब ने उस वक्त तबलीगी जमात के खिलाफ एक मुहिम शुरू कर दी थी। दिल्ली के निजामुद्दीन इस समय कोरोना फैलाने का एक बहुत बड़ा सेंटर बना हुआ है। दिल्ली का निजामुद्दीन, देश में इस वक्त जितने कोरोना के मरीज हैं, कई लोगों का डायरेक्ट कनेक्शन निजामुद्दीन की तबलीगी जमात, तबलीगी जमात मरकज से जुड़ रहा है। 500 जमाती अब भी फरार हैं, छिपे हुए हैं। आज हरियाणा, जम्मू, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मुंबई में जितने केस कोरोना पॉजिटिव के आए उसमें से आधे से ज्यादा ये तबलीगी जमात मरकज वालों के थे। क्या तबलीगी जमात मरकज मौलाना साद के काले धन का अड्डा है? और आज का सबसे बड़ा सवाल भाई और बहनों, क्या पैसे लेकर लोगों में मौत बांटना मौलाना साद, हत्यारे मौलाना साद का पेशा है? बाद में हुआ क्या, बॉम्बे हाईकोर्ट ने मीडिया को फटकार लगाई और तबलीगी जमात को बेगुनाह बताया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मीडिया चैनल्स को माफी मांगने को भी कहा। इसके बाद शुरू हुआ सुशांत सिंह राजपूत का केस। सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की, लेकिन न्यूज चैनलों ने इसे मर्डर साबित करने में जोर लगा दिया। अर्नब ने इस बार भी प्रोपेगेंडा के तहत एक मुहिम बनाई और रिया को मेन सस्पेक्ट बनाकर मुंबई पुलिस पर सवाल खड़े किए थे। लेकिन ये बिल्कुल 100% साफ है कि रिया को पता है कि सुशांत को किसने मारा। मैं ये नहीं कहता कि सुशांत को रिया ने गला और घोट कर मारा, लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि वो सुशांत को मारने की प्लानिंग में शामिल थी। जिस रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की मांग पूरा देश कर रहा है, आप कर रहे हैं, एक टीवी चैनल, ये तक वाले, उसको मंच दे रहे हैं दोस्तों, उसको मंच दे रहे हैं। क्या देश ये भूल सकता है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत केस में मुख्य आरोपी है? क्या भूल सकते हैं? क्या देश ये भूल सकता है कि रिया सुशांत केस की सबसे बड़ी संदिग्ध है? प्रमाण मेरे पास है और प्रमाण ये है कि रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन मेरे पास है। अरे रिया चक्रवर्ती बोलती है ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। वो कहती है मुझे ड्रग दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, MDMA लाओ, ecstasy लाओ। अरे वहां पे प्रमाण है उसके पास। अरे ड्रगी कौन है? रिया चक्रवर्ती ड्रगी है, वो कैसे कह रही है? बाद में आई एम्स की रिपोर्ट से ये सामने आया कि वह मर्डर नहीं, सुसाइड ही था। इसके बाद में सस्पेक्ट माने जाने वाले रिया चक्रवर्ती को भी कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी। अर्नब ने इसके बाद एम्स की रिपोर्ट पर ही सवाल खड़े कर दिए। जो हमें इतने महीने देखा तो वह क्या था? देश की जनता ने सुशांत केस कई महीने देखा और लोग भारत चाइना बॉर्डर विवाद, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को भूल गए थे। अर्नब ने बॉलीवुड पर ड्रग्स को लेकर भी काफी सवाल उठाए थे। सलमान खान को भी इसमें उन्होंने शामिल किया था। वो सलमान जो इतना बोलता था ना, कहां छिपा हुआ है? ड्रग्स माफिया के बारे में एक आवाज क्यों नहीं उसकी? क्या बातें कर रहे हैं? बात क्या हो रही थी और कहां जा रहे हैं आप?
बोलती बंद क्यों? बोलती नहीं, मैं बोल रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ सलमान खान का नाम लेकर। अर्शद कहाँ है सलमान खान? सलमान एक आवाज नहीं उठी, एक स्टेटमेंट नहीं, एक ट्वीट नहीं, पर्सनल क्या? मैं पूछ रहा हूँ सलमान खान कहाँ है? पूरे दिशा सारियान वाले मामले में चुप क्यों हो सलमान? सलमान ने इसका जवाब अपने शो बिग बॉस में दिया था और बाकी बॉलीवुड ने रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ के खिलाफ केस भी दायर कर दिया है। अगर अर्नब कोई मुहिम शुरू करना ही चाहते हैं तो वे बेरोजगारी के मुद्दे पर करें ताकि देश के लोगों को रोजगार मिल पाए और नए अवसर रोजगार के पैदा हो सके। वे इस पर बात क्यों नहीं करना चाहते? खैर, अब जनता को खुद समझना होगा कि वे किस तरह की न्यूज देखना चाहते हैं और कौन से चैनल ऐसी न्यूज दिखा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। If you like our channel, please subscribe and to get notifications about news, please click the bell icon.